Hello students, so in the last class we have covered the topic gravitational potential energy and escape velocity. So students, आप देख रहे हैं कैसे हम एकदम से continuation में और बहुत ही simple way से और बहुत ही basic concepts को use करते हुए chapter को cover करते चले जा रहे हैं. तो स्टूडेंट्स, आफ्टर कवरिंग दीज टॉपिक्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड एस्केप वेलोसिटी, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक मोशन ऑफ सैटेलाइट्स. सो आज की जो क्लास है हमारी, इसके बाद ये चैप्टर हमारा कवर हो जाएगा और मोशन ऑफ सैटेलाइट जो होता है वो इसका लास्ट टॉपिक होता है. सो स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशन का वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन, बहुत ही ब्यूटीफुल एप्लीकेशन होता है मोशन ऑफ सैटेलाइट्स. You all know about the satellites. आजकल हम satellites का काफी use करते हैं, चाहे वो weather forecasting के लिए हो, चाहे हमारा communication purpose के लिए हो, चाहे जो TV television program broadcasting होती है चाहे उसके लिए हो, चाहे other resources का पता लगाने के लिए हो, काफी ज्यादा satellites का आज की date में हम use करते हैं. तो वो सैटेलाइट का मोशन होता कैसे है, उसके पीछे बेसिक फिजिक्स क्या होती है. आपने मिशन मंगल नाम की एक मूवी देखी होगी जिसमें पूरे ग्रेविटेशन के चैप्टर को बहुत अच्छे से, बहुत नाइसली, इफेक्टिवली समझाया गया है. तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इस ग्रेविटेशन चैप्टर को पढ़ने के बाद या उससे पहले फाइंड टाइम टू वॉच द मिशन मंगल मूवी. ओके, जो मिशन मंगल मूवी है वो बहुत ही अच्छी मूवी है और उसकी जो स्टोरी है उसमें ग्रेविटेशन चैप्टर का काफी यूज है. तो स्टूडेंट्स, मोशन ऑफ सैटेलाइट कैसे होता है, सैटेलाइट बेसिकली होते क्या है. सैटेलाइट आर द बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड द प्लेनेट्स. जो बॉडी प्लेनेट के चारों तरफ रिवॉल्व करती है उनको हम सैटेलाइट कहते हैं. अब जैसे मान लो मून हो गया, मून इज ए सैटेलाइट बिकॉज मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ. इसी तरह से जितने भी प्लेनेट्स हैं उनके सबके अपने अपने सैटेलाइट्स होते हैं जो उन प्लेनेट्स के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं. तो ये तो स्टूडेंट्स बात हो गई नेचुरल सैटेलाइट्स की. इस लेकिन नेचुरल सैटेलाइट्स का कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, प्रैक्टिकल यूज तो है नहीं और ना ही हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं. तो हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के लिए हम अपने सैटेलाइट्स बना के, दोज आर कॉल्ड द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, दोज आर कॉल्ड द मैन मेड सैटेलाइट्स. सो उनको अर्थ के चारों तरफ एस्टेब्लिश कर देते हैं उसकी ऑर्बिट में. तो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट बन जाती है अर्थ के चारों तरफ जिसमें हमारा सैटेलाइट रिवॉल्व करता है. तो बेसिकली आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, जो मैनमेड सैटेलाइट्स, उनमें जैसे आपका जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हो गया जो कम्युनिकेशन पर्पस के लिए यूज किया जाता है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट हो गया जिसके काफी और सारे भी यूजेस होते हैं. तो काफी एडवांटेज हमें सैटेलाइट की टेक्नोलॉजी से मिलते हैं. और जो एक अलग डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड एट बेंगलुरु, सो वो वहां पर सब कुछ देखता है. तो मैं आपको बेसिक प्रिंसिपल उसके पीछे क्या है ये बताने जा रहा हूं कि भाई सैटेलाइट का मोशन कैसे होता है. देखो, मान लो ये हमारी अर्थ है, ओके, और यहां से मैंने किसी बॉडी को प्रोजेक्ट किया तो ये नीचे आके गिरेगी, फिर मैंने और वेलोसिटी से फेंका वो नीचे आके गिरेगी. तो बेसिकली क्या करना है, सैटेलाइट को अर्थ के चारों तरफ उसकी ऑर्बिट में घुमाना है. सो वी हैव टू एस्टेब्लिश एन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ सो दैट सैटेलाइट रिवॉल्व्स इन दैट ऑर्बिट. तो अब वो कैसे होगा, उसको करने के लिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सैटेलाइट इज टेकन टू सम हाइट. तो वो क्या होता है, वो होता है लॉन्चिंग व्हीकल, जो सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए यूज किया जाता है. सो फर्स्ट सैटेलाइट इज टेकन टू सम हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, देन दैट इज गिवन सम इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी. अब स्टूडेंट क्या हो सकता है, हॉरिजॉन्टल, आप कहोगे कि सर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे देंगे तो ये अर्थ के ऊपर आके गिर जाएगा. आपकी बात बिल्कुल सही है, बट ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये इस पे तो आके गिरेगा ना. क्यों गिरेगा, इसलिए गिरेगा क्योंकि आपने जो वेलोसिटी दी है वो इतनी सफिशियंट नहीं है ताकि उसको, सैटेलाइट को उसकी ऑर्बिट में चारों तरफ घुमा सके, मतलब सर्कुलर मोशन करा सके. अब सर्कुलर मोशन की जब बात आपके दिमाग में आती है तो आपके दिमाग में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आना चाहिए और वो होता है क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स. So centripetal force is necessary for an object to move in a circular motion. Centripetal force circular motion में move करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है.
तो जब हम इसको कुछ वेलोसिटी देते हैं तो हो सकता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स सफिशियंट ना मिले तो ये घूमेगा नहीं, गिर जाएगा ग्रेविटी की वजह से। तो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी, एक मिनिमम वेलोसिटी की जरूरत होती है सो दैट नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज सप्लाइड टू द बॉडी एंड इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। तो यही प्रिंसिपल यहां पर है। तो मैंने यहां पर एक फेयर डायग्राम ड्रॉ किया है। दिस इज अवर अर्थ ऑफ मास m, रेडियस r। ए सैटेलाइट इज टेकन टू हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। m इज द मास ऑफ सैटेलाइट एंड गिवन ए वेलोसिटी vo। ओके, वीओ मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी। सो व्हेन दिस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज गिवन देन इट स्टार्ट्स रिवॉल्विंग। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स इज mv स्क्वायर बाय r। दिस इज द फॉर्मूला फॉर। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिलेगा? मैं जब सेंट्रीपिटल फोर्स की बात सर्कुलर मोशन में, लॉज ऑफ मोशन में कर रहा था तो मैंने आपको बताया था कि भाई सेंट्रीपिटल फोर्स के अलग अलग कंडीशन में अलग अलग सोर्स होते हैं और कभी कहीं से और कभी कहीं से सेंट्रीपिटल फोर्स हमें मिलता है। सो स्टूडेंट, यहां पर हमें सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिलेगा? यहां पर हमें सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट से। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू रिवॉल्व द सैटेलाइट इनटू इट्स ऑर्बिट। तो आपको प्रिंसिपल समझ में आ गया। बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है सैटेलाइट को लॉन्च करने का, सैटेलाइट को उसकी ऑर्बिट में एस्टेब्लिश करने का, सैटेलाइट को अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कराने के लिए क्या होता है? सैटेलाइट इज टेकन टू सम हाइट h एंड देन गिवन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सो दैट इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन एंड अर्थ। तो यहां पर आई हैव रिटन मोशन ऑफ सैटेलाइट। उससे पहले मैंने आपको बताया है कि सैटेलाइट क्या होते हैं। सैटेलाइट्स आर द बॉडीज व्हिच रिवॉल्व अराउंड द प्लेनेट टू एस्टेब्लिश ए सैटेलाइट इनटू इट्स ऑर्बिट। Satellite is taken to some height and given a horizontal velocity so that it revolves around the earth. Necessary centripetal force is given by the gravitational force of attraction between earth and satellite. Now to describe the motion of satellite, it is really very fascinating. Okay, you will surely fascinate with the study of this motion of satellite. So five parameters are discussed. Five parameters are discussed to describe the motion of satellite into its orbit. पहला जो पैरामीटर है वो है ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है? So students, ऑर्बिटल वेलोसिटी मतलब जो ऑर्बिट में वेलोसिटी है, ये तो है ही है। इसके अलावा कोई भी वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी नहीं हो सकती। ऑर्बिटल वेलोसिटी इज द मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी गिवन टू द सैटेलाइट सो दैट इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन इट्स ऑर्बिट। ओके, सो दिस इज द मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी गिवन टू द सैटेलाइट सो दैट इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। और घूमने के लिए मैंने आपको क्या बताया? नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट। सो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv स्क्वायर बाय r इन प्लेस ऑफ r r प्लस h और v की जगह vo ऑर्बिटल इज इक्वल टू gm m अपॉन r plus h होल स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फोर्स gm m2 by r स्क्वायर। r plus l होल स्क्वायर से कैंसिल हो गया, m से m कैंसिल हो गया। सो ये मेरा यहां पर आ गया vo इज इक्वल टू अंडर रूट gm by r plus h। और इस r plus h को कई बार हम स्मॉल r भी लिख देते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि स्मॉल r का क्या मतलब है। दिस इज आल्सो रिटन एज स्मॉल r। सो अंडर रूट gm by r plus h, gm by r plus h, स्क्वायर रूट gm by r plus h, ये फॉर्मूला आ गया। अब इसमें क्या कंडीशन होती है? इफ इफ एच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो, मतलब इफ सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, सो ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? अंडर रूट जी एम बाई आर। यहां ये भी लिख सकते हैं, दिस इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं एच इज लेस देन आर, मतलब सैटेलाइट रिवॉल्व्स नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। तो यहाँ h को हम कर देंगे नेगलेक्ट और ये आ गया। अब ये देखो क्या हो गया, एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था g इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। सो जी एम बाई आर क्या आ गया? अंडर रूट आर जी, ठीक है। और ऑर्बिटल एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? अंडर रूट टू जी एम बाई आर। सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड एस्केप? v इज इक्वल टू
वी और रूट 2 बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है. दिस इज द रिलेशन बिटवीन ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड एस्केप वेलोसिटी. इफ ए सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग नियर द सरफेस ऑफ अर्थ देन एस्केप वेलोसिटी इज रूट 2 टाइम्स द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट. सो स्टूडेंट्स, ये हमारा एक पैरामीटर हो गया रिलेटेड टू द मोशन ऑफ सैटेलाइट. देन नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी इज हाइट ऑफ द सैटेलाइट. क्योंकि जब सैटेलाइट को हम लॉन्च करते हैं तो कितनी हाइट पर ले जाके हमने उसको वेलोसिटी दी है वो टर्म काफी इंपॉर्टेंट होती है. आफ्टर डूइंग दिस ऑर्बिटल वेलोसिटी वी हैव टू फाइंड द नेक्स्ट हाइट निकाल सकते हैं या टाइम पीरियड निकाल सकते हैं. टाइम पीरियड निकाल लेते हैं. नंबर टू टाइम पीरियड. सो टाइम पीरियड स्टूडेंट्स क्या होता है, इफ ए बॉडी इज रिवॉल्विंग इन सर्कुलर पाथ देन टाइम पीरियड इज द टाइम ऑफ वन रिवॉल्यूशन. टाइम टेकन बाय द सैटेलाइट टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ. मतलब ये चल रहा है ना ऐसे ऐसे तो एक चक्कर में कितना टाइम लगा. सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ओके, और 2 पाई आर प्लस एच अपॉन इसका वैल्यू अंडर रूट जी एम बाई आर प्लस एच. तो ये इधर चला जाएगा 2 पाई आर प्लस एच अंडर रूट आर प्लस एच ऊपर चला गया अपॉन जी एम. इस आर प्लस एच को स्क्वायर रूट के अंदर हम ले सकते हैं 2 पाई स्क्वायर रूट आर प्लस एच का क्यूब अपॉन जी एम और 2 पाई अंडर रूट आर क्यूब बाई जी एम. ओके, सो यहां से एक रिजल्ट हमारा निकल के आता है टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, जो आगे जाके केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन में भी हमारा यूज होगा. केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन में भी आगे हमारा यूज होगा. सेकेंड आ गया. थर्ड हम क्या निकाल सकते हैं, हाइट ऑफ सैटेलाइट. हाइट ऑफ सैटेलाइट क्या होती है स्टूडेंट्स, इसी फॉर्मूले से हाइट कैलकुलेट की जा सकती है. सो यहां से आएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर प्लस एच क्यूब अपॉन जी एम. सो आर प्लस एच क्यूब इज इक्वल टू जी एम टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर. ओके, तो आर प्लस एच कितना आ गया यहां से जी एम टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर की पावर 1/3 और h कितना आ गया माइनस r. सो ये हमारा क्या आ गया हाइट ऑफ सैटेलाइट. इसके बाद फोर्थ होता है टोटल एनर्जी. टोटल एनर्जी मतलब सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग तो रिवॉल्व कर रहा है तो मोशन में तो काइनेटिक एनर्जी भी है और पोटेंशियल एनर्जी भी है. सो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होती है. काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी ओ स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी प्लस माइनस जी एम एम बाई आर प्लस एच. तो ये हो गया हाफ एम वी ओ की वैल्यू अगर मैं लिखूं जी एम बाई आर प्लस एच और माइनस जी एम एम बाई आर प्लस एच. तो यहां से टोटल एनर्जी कितना आ जाता है माइनस जी एम एम बाई टू आर प्लस एच माइनस जी एम एम बाई टू आर और इसको हम लिख सकते हैं माइनस जी एम एम बाई 2R. सो टोटल एनर्जी आ गया. इसके बाद लास्ट वाली जो क्वांटिटी है नंबर 5 होती है बाइंडिंग एनर्जी. तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट क्या होता है स्टूडेंट्स, अब देखो टोटल एनर्जी नेगेटिव आया माइनस जी एम एम बाई टू आर प्लस एच आया. इसका मतलब ये हो गया कि सैटेलाइट इज बाउंड इन इट्स ऑर्बिट, मतलब सैटेलाइट इज बाउंड इन इट्स ऑर्बिट टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ. सो नेगेटिव एनर्जी का मतलब यही है कि अट्रैक्टिव फोर्स हमारा टोटल लग रहा है. अब बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी दो तरह से हम डिफाइन करते हैं कि कितनी एनर्जी हम सैटेलाइट को देते हैं ताकि सैटेलाइट अपनी ऑर्बिट को छोड़ के इनफाइनाइट स्पेस में चला जाए. सो टोटल एनर्जी हमें उसकी जीरो करनी होती है. सो बाइंडिंग एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सैटेलाइट सो दैट इट्स टोटल एनर्जी बिकम्स जीरो एंड इट गोज बियॉन्ड द ग्रेविटी ऑफ अर्थ. सो दिस इज द नेगेटिव ऑफ दिस टोटल एनर्जी. बाइंडिंग एनर्जी इज द नेगेटिव ऑफ और नेगेटिव टोटल एनर्जी इज ऑलरेडी नेगेटिव. सो दिस इज प्लस जी एम बाई आर प्लस एच.
सो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने देखा कि हमने सैटेलाइट का मोशन डिस्कस किया कि सैटेलाइट्स क्या होते हैं, सैटेलाइट्स कैसे रिवॉल्व करते हैं अराउंड द अर्थ इन इट्स ऑर्बिट, और कैसे हम इसको इस अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होती है। देर आर 5 पैरामीटर्स विच आर यूज टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ सैटेलाइट। पहले जैसे हमारा हो गया ऑर्बिटल वेलोसिटी, सेकेंड हो गया टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट, थर्ड हो गया हाइट ऑफ सैटेलाइट, फोर्थ हो गया टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, और 5 हो गया बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। सो स्टूडेंट्स, एक और टॉपिक इसमें लास्ट में बचता है, दैट इज केपलर्स लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन। सो बहुत सिंपल सा टॉपिक है केपलर्स लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन, थ्योरेटिकल है, अभी आपको बता देते हैं और इसके बाद ये चैप्टर हमारा हो जाएगा कंप्लीट। सो लास्ट टॉपिक है इसके अंदर केपलर्स लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन। सो व्हाट हैपेंस एक्चुअली, प्लेनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, सैटेलाइट्स रिवॉल्व अराउंड द प्लेनेट्स एंड प्लेनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, सो दे फॉलो सम रूल्स, दे फॉलो सम लॉज, सो दोस आर कॉल्ड द केपलर्स लॉज, केपलर्स लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन। सो देर आर 3 लॉज। फर्स्ट लॉ, एवरी प्लेनेट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, ओके, इन इलिप्टिकल पाथ एंड सन इज एट द फोकस ऑफ द एलिप्स। सो ये फर्स्ट लॉ है, ईच प्लेनेट, फर्स्ट लॉ, ईच प्लेनेट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। इलिप्स होता है ना, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व नहीं करते हैं, किसमें रिवॉल्व करते हैं, इलिप्टिकल, सॉरी प्लेनेट, प्लेनेट इज नॉट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, ईच प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड द सन, ईच प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट एंड सन इज सिचुएटेड and sun is situated at one focus F। जैसे मान लो ये हमारा ellipse हो गया और ये हो गई इसकी semi major axis, ये semi minor axis, तो एक focus तो यहां पर, यहां sun होता है, ठीक है, यहां, यहां पर sun है, सन इज, ये फोकस होता है एलिप्स का, एक यहां होता है, लेकिन किसी भी एक फोकस पर सन सिचुएट हो सकता है, सिचुएटेड हो सकता है, ठीक है। अब यहां पर सन हमारा है, इसके चारों तरफ प्लेनेट रिवॉल्व कर रहा है। जो सेकंड लॉ है वो है ईच प्लेनेट स्वीप्स इक्वल एरिया, ईच प्लेनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और एरियल स्पीड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट डी ए बाई डी टी, ये क्या रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है। इट इज फ्रॉम, ये कहां से आया, मतलब रिवॉल्विंग इलिप्टिकल पाथ में जो रिवॉल्यूशन होता है उसमें क्या लगता है, एल कॉन्स्टेंट, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कॉन्स्टेंट, it is from conservation of angular momentum, angular momentum constant रहता है किसी भी isolated system का, जिस पर बाहर से कोई torque ना लगे उसका angular momentum constant रहता है, और angular momentum का geometrical meaning होता है L is equal to 2m under root dA by dt। so जब L constant रहेगा तो aerial speed constant रहेगी, aerial speed का मतलब क्या होगा, जैसे मान लो कोई planet A से B में गया किसी पर्टिकुलर टाइम में, कुछ टाइम इसको यहां पर लगा और उसी टाइम में ये सी से डी तक गया, सो सी से डी तक गया तो ये जो दोनों एरिया है दीज एरिया विल रिमेन सेम, मतलब एस ए बी एस सी डी दीज एरिया विल रिमेन सेम, मींस ईच प्लेनेट स्विप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सो एरियल स्पीड रिमेन्स कॉन्स्टेंट एंड दिस कम्स फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, बिकॉज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज 2m dA by dt, so L is constant and dA by dt is also constant,
एंड थर्ड इज स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट सॉरी प्लेनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ रेडियस ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। ये अभी मैंने ग्रेविटेशन में ड्राइव किया था। सो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारे दिस इज बेसिकली थ्योरेटिकल कंसेप्ट। केपलर्स लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन थ्री लॉज हैं, आप इनको लर्न कर लीजिएगा। एस सच डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और इसको ड्राइव भी मैंने पिछले टॉपिक में कर दिया जो मोशन ऑफ सैटेलाइट, मतलब मोशन ऑफ सैटेलाइट और मोशन ऑफ प्लेनेट फॉलो द सेम रूल्स सेम लॉज एंड सेम एनालॉजी। सो दिस वॉज ड्राइव इन द प्रीवियस टॉपिक ऑफ मोशन ऑफ सैटेलाइट और इस तरह से आप इसको प्रिपेयर कर सकें। और ये हमारा चैप्टर यहाँ पर खत्म हो गया और सिलेबस भी हमारा कंप्लीट आज हो गया। नाउ यू कैन रिवाइज एनी प्रॉब्लम इफ यू हैव यू कैन आस्क यू कैन राइट इन द ग्रुप। ओके थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।